What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20 जनवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:10 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी इंडेक्स लगातार नए हाईस क्रिएट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें तो यूएस इंडेक्स जो है डाउ, वहां पर भी रिकॉर्ड हाई के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीक में क्या निफ्टी में हो सकता है, कहाँ पर इंट्राडे लेवल्स आ सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। फ्राइडे को एक इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा था। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 17 जनवरी आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,378 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,337। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ही ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, और एग्जैक्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इस ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ फिर से एक बार जब आने की कोशिश की तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया। तो हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये एक दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा था, यानी जो थर्सडे का हाई और लो था उसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर फ्राइडे को कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी एज पर हमारा ये जो प्री मार्केट प्लान जो बनता है इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट नासडैक फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुए, वहाँ पर कंटिन्यूज़ हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स चल रही थी उसके बारे में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ पर भी सभी इंडेक्सेस फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए थे। और आज जब भी एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी निक्केई और चाइना मार्केट में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। डाव फ्यूचर इस समय 16 पॉइंट के थोड़ी सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो मंडे है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, तो काफ़ी इस वक्त एक तेज़ी है, लेकिन ज़्यादा अभी इसमें तेज़ी आना ज़रूरी है। अभी कह सकते हैं कि एक मिला जुला कारोबार इस समय ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। या अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते तो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही ये वीडियो सुबह मार्केट आवर्स के पहले अपलोड होता है यूट्यूब पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगी और आप मार्केट आवर्स के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 50% का लेवल आ रहा है 12,366, यहाँ पर ये लास्ट 4 डेज से ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है इस लेवल को, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर यानी 12,389 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 12,492, ऑलमोस्ट 500, जो कि 61.8% का लेवल है। अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ये वीकली चार्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं। चलते डेली चार्ट में। डेली चार्ट यानी एक कैंडल एक दिन का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस 4 डेज, यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये वीकली से डेली चार्ट में हम ये देख रहे हैं। तो 4 डेज यहाँ पर इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा है। लास्ट 2 डेज देखे फ्राइडे के पहले तो यहाँ पर दोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था इसने, यानी इनडिसिजिव पैटर्न है, ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। बेयर्स ने एक बार कोशिश की थी लेकिन लास्ट आर में बुल्स एग्रेसिव होकर फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स को ऊपर लाके इसने क्लोज कर दिया, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो अभी यहाँ पर चांसेस है, अगर ये जो रेड कैंडल बना है 12,278 इसका लो है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है काफ़ी देर
तो यहाँ से करेक्शन काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है, यानी ये ऑल टाइम जो प्रीवियस सेशन में यहाँ पर 3 बार इसने डबल ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनाया था अराउंड 12,290 के पास, तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे 20 EMA यानी 12,220 के पास अभी इस वक्त ये शॉर्ट टर्म मिड मूविंग एवरेज का लाइन है, तो यहाँ पर ये लास्ट एक भारी सपोर्ट हो सकता है। अगर इसे ब्रेक करता है तो और निफ्टी में करेक्शन गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट का काफ़ी बुलिश है। अगले महीने बजट आने वाला है तो पॉजिटिव होप के साथ इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो नए हाईज जैसे ही ये ब्रेक करता है तो हमें और भी निफ्टी में जो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है इसके मुताबिक टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि हर एक नए लेवल्स के ऊपर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो ये है वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस इस समय। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट 4 डेज से यहाँ पर एक लेवल को पेनेट्रेट कर रहा है, तो अभी निफ्टी इंडेक्स अगर कम्प्लीटली ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी R1 का पिवट पॉइंट का लेवल भी उसी के आसपास आ रहा है, तो 12,384 को अगर ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर आज के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल, तो इसे हम लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल होगा ये हमारा आज के लिए। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,400, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 12,417 जो कि R2 का पिवट पॉइंट का लेवल है। और अभी अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 EMA का फर्स्ट सपोर्ट है, पहला तो पिवट पॉइंट का है, उसके बाद 20 EMA का है और एक डोजी जैसा कैंडलस्टिक बना था, यानी उस आर यहाँ पर एक इनडिसिजिव पैटर्न था। तो इस डोजी का अगर लो ये ब्रेक करता है, आप देख सकते हैं इसी लो के पास इसने पास्ट में यहाँ पर कई टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। ये देखिए यहाँ पर इसकी इस लेवल के ऊपर ही ये क्लोज नहीं दे पा रहा था काफ़ी देर तक, तो ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये हो सकता है हमारा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल, यानी 12,336 ये हमारा हो सकता है ब्रेक डाउन लेवल। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, ये हमारा होगा ब्रेक डाउन लेवल, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, और ये जो ऊपर ब्रेकआउट लेवल है इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। तो अगर निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,323, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 12,306, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।